पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसान का आंदोलन को लेकर दुविधा में फंसी भाजपा को एक बार और नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यह सबसे बड़ी समस्या है जाट आरक्षण को लेकर। केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने आज शामली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनका वादा दिलाया। उन्होंने कहा कि पीएम और गृह मंत्री ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का वादा किया था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भी ऐसा ही वादा किया गया, लेकिन सरकार ने आज तक जाट आरक्षण की मांग को पूरा नहीं किया। यशपाल मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति। जो आज ये मीटिंग की गई है, क्या रखा गया है मीटिंग में उद्देश्य? देखो, आज की मीटिंग का जो उद्देश्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने 26 मार्च 2015 को वादा किया, अमित शाह जी ने 8 फरवरी 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले वादा किया था। आज समाज के जिम्मेदार व्यक्ति, खापों के जिम्मेदार व्यक्ति और संघर्ष समिति और जाट सभाओं के और किसानों के तमाम नेताओं ने मिलकर आज ये निर्णय लिया कि भाई हमें आरक्षण की मांग को उनको याद दिलाना चाहिए, और आरक्षण की मांग अगर वो पूरी नहीं करते तो जाट समाज की नाराजगी भी उन्हें प्रदर्शित करानी चाहिए। इस बात को लेकर आज की मीटिंग की गई। जनवरी में शामली जिले में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जाट समाज के हर गांव से व्यक्ति भाग लेंगे, और उसके बाद आगे का आगामी निर्णय होगा कि भाई लोकसभा विधानसभा चुनाव में क्या निर्णय लिया जाए। इसी तरह की हमारी हर जिलों पर बड़ी मीटिंग हो रही। 25 तारीख को हमारी मीटिंग बिजनौर में है और 2 तारीख को बुलंदशहर में, और तमाम जिलों पर छोटे छोटे कार्यक्रम और जाट आरक्षण अभियान 2021 की शुरुआत की जा रही। विधायकों को ज्ञापन दिए जा रहे, और चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, ये जाट आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा जाट समाज की मूवमेंट चलते है। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे आरएलडी की और बीजेपी की, अपनी बी पार्टी लगा देनी चाहिए, वो क्या है? मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सपा हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे बीजेपी हो, जो जाट समाज के लोग हैं वो हर पार्टी में, उनको अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में जुट जाने को कह देना चाहिए कि भाई जाट का आरक्षण होना प्रधानमंत्री ने हाँ कर रखी, और वे कुछ लीडर डायरेक्ट सामने नहीं आ सकते तो वे अपने लोगों को बोल रहे कि भाई ये जाट आरक्षण का मुद्दा है और आप इसमें काम करो। और अगर वोट बीजेपी के नेताओं को भी अपनी नाराजगी अपनी हाईकमान को पहुंचानी चाहिए, लोक दल के जो नेता उनको भी अपने हाईकमान से इस मुद्दे को बताएं, सपा वाले भी बताएं, और ये प्रमुख मुद्दा हो 2022 की विधानसभा का। हम 125 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और निश्चित रूप से जाट अब नाराज है, खेत किसान की वजह से नाराज है, बिजली को बिल से नाराज है, और जाट आरक्षण से टोटल युवा नाराज है जाट समाज का। तो ये बहुत मजबूत मुद्दे हैं, और बीजेपी को इस बारे में अगर नहीं सोचेगी तो उसको नाराजगी भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 125 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जाट बिरादरी अपनी वजूद रखती है तथा ये चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उन्होंने जाट प्रतिनिधियों और संगठनों से कहा कि वह विधानसभा चुनाव में अपना वोट मत सोच समझ कर दें, ताकि हमें हमारी उचित मांग मिल सके। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनुमान अंसारी के साथ राजपाल पारवा, शामली।